नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाक में। शिक्षा विभाग बिहार पटना ने यह अधिसूचना जारी करके यह सूचित कर दिया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु होने वाले परीक्षा में जो है नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र की बाध्यता नहीं रहेगी। यह जो आपको ज्ञापांक है 934/25/5/2023 यह आज ही जारी हुआ है। आइए इसके माध्यम से जानते हैं और इसमें यह भी जानते हैं कि पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली में भी कुछ छूट की बात कही गई। आइए उसको देखते हैं, चलिए इसको जानते हैं और समझते क्या है क्या। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा सत्र नियमावली 2023 के नियम 5 की कंडिका 5 में निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं, जो पूर्व में किए गए हैं। क्या है प्रावधान? नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर मानकर किया जाएगा। दूसरी क्या किया गई है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, क्या है पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आपको 10 वर्ष की छूट दे होगी। ये पहले प्रावधान था किसमें, इस खंडिका में। उसके बाद क्या था, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। ये जो आपको ये बातें थी ये पूर्व में थी, अब इस पर एक अलग से निर्णय दिया गया है और क्या है निर्णय आइए उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के बारे में भी कुछ बताया जा रहा है का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया है, ठीक है। सबको पता है कि 2019 में उसका किया गया है, जिसमें आयु की गणना जो है वो 1/8/2019 को आधार मन किया गया। किसमें? जो STET परीक्षा 2019 में की गई थी उसमें आयु के आधार की गणना क्या थी, 1 अगस्त 2019। अंकनीय है कि उक्त पात्रता परीक्षा में इस स्टेट में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट 1/8/2019 को आधार मानकर दिया जाएगा। यानी क्या उनको दिया जाएगा, आपको 10 वर्ष की छूट उनको दिया जाएगा। किसको? जो 2019 में STET के परीक्षा में सम्मिलित होकर आगे उत्तीर्ण हुए थे। अच्छा, देखिए उक्त स्थिति में इस नियमावली के नियम 19(4) के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात यह डिसीजन है नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगा। किसको मानकर दे होगा, 1/8/2023 को आधार मान, किसके लिए, पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, ठीक है। परंतु STET 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1/8/2019 को मानकर किया जाए। किस इनके लिए कब होगा, वहाँ उसको आधार मान के उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी और आपको ये इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को
10 वर्ष की छूट कब दी जाएगी? 1 अगस्त 2023 को। और जो पूर्व में 2019 में कर चुके थे उनको, उनका आधार क्या होगा आपको? 1 अगस्त 2019। ठीक है, अब देखिए, अब जो मूल बात, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु में निहित निमित यह निर्णय लिया जाता है कि इनके संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा, यानी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो इसमें 3 प्रकार के डिसीजन आपको दिखे। सबसे मूल और प्रमुख डिसीजन यह है कि नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं उनकी आयु सीमा शिथिल रहेगी, और उसके बाद ये 2019 वालों के लिए आधार वर्ष 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कब? 1 अगस्त 2019 को आधार को मान के। और इस जो नियमावली के प्रेरित होने के आपको पूर्व में, प्रवृत्त होने के पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आपको 1 अगस्त 2023 को आधार मान के 10 वर्ष की सीमा में की छूट मिलेगी। ये है आपको ये आदेश, ये बिहार राज्यपाल के आदेश से श्री संजय कुमार संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया है। तो इसके माध्यम से ये क्लियर हो गया कि जो ये जो आपको परीक्षा, जो अध्यापक की परीक्षा की बात, जहाँ उम्र की बात थी, यहाँ यह व्यवस्था शिथिल कर दी गई है। ठीक है, आशा है आपको इस सूचना से लाभ होगा। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।